अब एक नजर इस खबर पर। गौरतलब है कि बेमेतरा जिला के अंतर्गत केले की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है, जहां केले के फल को उपयोग में लाने के बाद उनके तने को फेंक दिया जाता था। कृषि विभाग एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की पहल से स्थानीय महिला स्व सहायता समूह को विशेष प्रशिक्षण से उन्हीं केले के तनों द्वारा विशेष प्रक्रिया के तहत रेशा निकाल कर उनसे महत्वपूर्ण दैनिक उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत राखी में लगाए गए यूनिट द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुए केले के रेशे से विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया गया, जिसे सीमार्ट के माध्यम से आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। गुजरात की हैंडलूम कंपनी द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत राखी से करीब 1.5 लाख के केले की तने की रेशे को खरीदा गया एवं आने वाले समय में इनके साथ बड़ा अनुबंध होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने अपना आशीर्वचन दिया। इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने यूपी से जो केले का हैंडलूम बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है, उसके लिए हमने ट्रेनिंग दी थी। तो यहाँ की जो स्व सहायता समूह महिलाओं का जो ग्रुप था, उसको हमने ये प्रयास किया कि केले के तने से रेशा कैसे अलग करना है, रेशे को लूम में बदा के जो हस्तशिल्प है उसकी ट्रेनिंग कैसे देंगे। तो करीब 34 महिलाओं को आज एक ट्रेनिंग दिया गया और उस महिलाओं के से बने हुए पदार्थ या रेशे को एक गुजरात की कंपनी ने ख़रीदा भी है और उसमें भी करीब 1.5 लाख रुपए का उसका भुगतान हुआ है। तो जिसका उनको प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बाज़ार से कितना लिंक ट्रेनिंग है और इससे इसमें बाज़ार में कितनी ज़रूरत है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो कुछ ज़िले हैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के, बेमेतरा हो गया या और जैसे बेरला हो गया और आसपास के जो ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों में केले की बहुतायत से खेती होती है। तो केले के फल को निकालने के बाद जो उसका तना बचता है, उस तने से रेशा निकाल के वो भी एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इन महिलाओं को केले का रेशा निकालना सिखाया गया और रेशे को बेचने की बाज़ार में व्यवस्था भी की गई। तो यहाँ के जो केवीके के जो इंचार्ज हैं, चाहे राजपूत जी हों चाहे जोशी जी हों, इन लोगों ने मिल के इतना अच्छा प्रयास किया है और महिलाओं में इतना आत्मविश्वास को जगाया है कि आने वाले समय में ये एक मॉडल होगा और पूरे प्रदेश में इसके ऊपर और भी योजनाबद्ध तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।